वेलकम बैक टू फ्यूचर टेक्निकल चैनल। एंड आज गाइज हम देखने वाले हैं कि विंडोज़ 10 एंड विंडोज़ 11 के ऊपर हम अपने फाइल्स एंड फोल्डर्स के अंदर जितना भी वीडियो डॉक्यूमेंट और कुछ भी होना, जो भी हमारा प्राइवेट डाटा हो, उसको कैसे लॉक करना है। तो चलिए गाइज इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो पहले आपको सिंपली नोटपैड को ओपन कर लेना है एंड देन इसमें आपको इस वाले कोड को कॉपी एंड पेस्ट कर लेना है। एंड गाइस इस कोड को मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसको सिंपली इधर पेस्ट करना है, ठीक है। तो इतना कर लेने के बाद आपको ये योर पासवर्ड हेयर को डिलीट करके इधर आपको खुद का एक कस्टम पासवर्ड देना है। आप कुछ भी पासवर्ड दे सकते हो, ठीक है। तो लाइक मैंने दिया इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा पासवर्ड होगा। तो कभी भी मुझे मेरा फाइल्स एंड फोल्डर्स को अनलॉक करना पड़ा तो मैं इसी पासवर्ड को यूज करके उसको अनलॉक कर सकता हूँ। तो इतना कर लेने के बाद आपको सिंपली फाइल में जाके इसको सेव एज में जाके आपको इसमें ऑल फाइल्स को रखना है, ठीक है। तो इसमें आपको नेम में आपको सिंपली इस नेम को कॉपी करके उधर पेस्ट कर सकते हो, इसको आपको इधर पेस्ट करना है। तो इतना कर लेने के बाद आपको इसको सेव करना है। तो भाई सेव करने से पहले आपको ये डिसाइड करना है कि भाई आपको इस हिडन फोल्डर्स और आपको प्राइवेट फोल्डर्स फाइल्स को किधर रखना है। मैं इसको अभी डी ड्राइव में रखता हूँ, तो इसको क्लिक करना है एंड देन इधर आपको सेव कर लेना है। तो इतना कर लेने के बाद आपको डी ड्राइव में जाना है जिधर भी आपने सेव करा है एंड देन आपको इसको क्लिक करना है। तो ये क्लिक करने के बाद आप इधर देख सकते हो ये हमारा लॉकर फोल्डर आ चुका है। तो आपको भाई जितना भी फाइल्स एंड फोल्डर्स, जितना भी वीडियोस डॉक्यूमेंट्स कुछ भी होना, तो भाई आपको सिंपली इसके अंदर सेव करके रखना है, तो वो हिडन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि मुझे ये चारों को हिडन करना है, मतलब इसको लॉक करना है, ठीक है। तो इसको मैं कट करके डी ड्राइव में इस लॉकर फोल्डर में डाल लेता हूँ। तो गाइस देखो मैं इसको इधर डाल रहा हूँ एंड देन गाइस इतना कर लेने के बाद हमारे लॉकर फोल्डर में आप देख सकते हो इधर 4 वीडियो है, ठीक है। जब हम इस लॉकर फोल्डर को लॉक करना चाहते हैं, इसको हिडन करना चाहते हैं, तो सिंपली हमको पोर्टल लॉकर को क्लिक करना है एंड देन इधर सिंपली वाई को राइट करके इसको एंटर कर देना है, ठीक है। तो इतना कर लेने के बाद आप देख सकते हो इधर लॉकर फोल्डर हिडन हो चुका है, क्योंकि इसमें लॉक लग चुका है, ठीक है। तो जब भी फिर से हमको कभी भी अनलॉक करना हो, तो सिंपली इसी को हम क्लिक करके इसमें हम अपना खुद का पासवर्ड डालेंगे, जो कि मेरा पासवर्ड मैंने इधर डाला था। अब देख सकते हो इधर मेरा पासवर्ड था 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। तो सिंपली मैं इधर इसी पासवर्ड को डालूंगा एंड आप देख सकते हो इतना कर लेने के बाद मैंने इंटर किया, तो देख सकते हो इधर लॉकर फोल्डर खुल चुका है एंड वी कैन सी आवर प्राइवेट फाइल्स एंड फोल्डर्स, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक जरूर मारना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।